हाय गाइस, मेरा नाम सागर आर चौहान है। कैसे हो आप लोग? टुडे इज अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक वी वांट टू टॉक अबाउट कि जैसे आप विला रेंटल बिजनेस चालू करते हैं, जैसे मैं मुंबई में रहता हूँ, मेरा सारा का सारा बिजनेस मेजरली आई वुड से कि लोनावला में है। एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू चूज अ रियली गुड मैनेजर, बिकॉज आप एक डिफरेंट सिटी में रहते हो, तो वॉट टाइप ऑफ मैनेजर यू शुड बी चूजिंग, या विच काइंड ऑफ क्वालिटी द मैनेजर शुड बी हैविंग, ये अगर आपके जहन में है या आपके दिमाग में है, वेन एवर आप कभी जब इंटरव्यू ले रहे हो लोगों को, वेन एवर यू आर यू नो डिसाइडिंग कि हु इज गोना रन योर हाउस, टेक्निकली आपसे ज़्यादा वो वहाँ पर रहने वाले हैं। तो ये चार पांच पॉइंट्स है जो मैंने ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ ईयर्स आई वुड से, कि मैंने सीखा है कि अगर मुझे अगर मैनेजर चूज करना है, हु इज़ यू नो ये सारी क्वालिटी उसके अंदर होनी चाहिए। एंड वही मैं आज आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। अगर मेरे बिफोर वी स्टार्ट, अगर आपको मेरे छोटे से वीडियोज अच्छे लगते हैं, प्लीज़ लाइक इट, प्लीज़ शेयर इट, सब्सक्राइब टू चैनल, हिट द बेल आइकन एंड डू लेट मी नो इन अ कॉमेंट सेक्शन हाउ आई कैन इम्प्रूव। द फर्स्ट एंड इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो आपके एक मैनेजर में होना चाहिए, विच इज़ पंक्चुअलिटी, कि ही शुड बी पंक्चुअल। अगर उसको यूजुअली जब लोग आते हैं, उनका एक चेकआउट टाइम, चेक इन चेकआउट टाइम डिसाइड होता है। एंड मेरे हिसाब से एक मैनेजर को उससे अगर फॉर एग्जांपल 2 बजे का चेक इन है, तो ही शुड बी इन अ पोजिशन दैट वो 12:30 1 o'clock ही शुड बी एट द विला। बहुत टाइम क्या होता है कि मैनेजर को पता है कि 2:30 आ रहे हैं, अगर इफ़ द पर्सन, इफ़ द मैनेजर रीचिंग एट 3 o'clock, विच कैन बी अ वेरी बिग हैसल, लोग वहाँ पे आके यू नो फाइटिंग कर सकते हैं, झगड़ा कर सकते हैं। मैनेजर नीड्स टू बी वेरी पर्टिकुलर, ही हैज़ टू बी इवन पंक्चुअल वाइल चेकिंग आउट, बिकॉज चेकिंग आउट के टाइम कोई टाइम पे नहीं निकलता है। सब लोग बोलते हैं 10 बजे निकलेंगे, लेकिन 10 बजे कोई नहीं निकलता है। आपको ये ध्यान में रखना है कि आपका जो मैनेजर है, ही इज़ 1 आवर अर्ली बिफोर योर चेकआउट, तो ही शुड बी हैविंग दी कैपेसिटी एंड दी इनेट क्वालिटी ऑफ पंक्चुअलिटी। सेकेंड पॉइंट जो है कि आपका जो मैनेजर है, ही शुड लव क्लेनलीनेस, ही शुड बी क्लेनलीनेस फ्रीक। अभी मेरे जितने भी मैनेजर्स हैं, अगर उसको कुछ भी घर में उल्टा पुल्टा लगेगा या पेंट लगेगा, तो दे हैव अ काइंड ऑफ OCD कि नहीं, उसको बराबर साफ करना है, उसको बराबर यू नो पेंट करना है। इससे क्या होता है कि उनकी जो ये इनेट क्वालिटी होती है, उसकी वजह से आपका जो विला है वो मेंटेन्ड रहता है, विच इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। आज के टाइम बहुत सारे लोग अपना विला उसको मेंटेन नहीं करते हैं। आई हैड टू लर्न दिस इन अ हार्ड वे एंड आई गिव प्रायोरिटीज टू मेंटेनेंस। एंड मैं जो भी मैनेजर को अपॉइंट करता हूँ विला के लिए, ही हैज़ टू हैव अ इनेट क्वालिटी ऑफ क्लेनलीनेस। थर्ड पॉइंट इज क्विक थिंकर। बहुत टाइम क्या होता है कि आपके जो विला विला पे जो रहने आते हैं लोग, वो दे वॉन्ट समथिंग, या लाइट चली गई, या बेड अरेंज करना है। सो दिस पर्सन जो आपका मैनेजर है, ही शुड बी इन अ प्लेस ऑफ क्विक थिंकिंग, ही शुड बी अ क्विक थिंकर। ऐसा नहीं कि यार भैया से सोच रहा है, अगर उनके पास कोई बुकिंग आती है, एंड इफ़ ही हैज़ टू नेगोशिएट ऑन दैट ऑल्सो, बिकॉज बहुत टाइम क्या होता है, एक बार आपका विला फेमस हो गया, मे बी लोग आपके विला पे आके इंक्वायरी कर रहे हैं, सो द मैनेजर हैज़ टू बी वेरी प्रिसाइज, द मैनेजर हैज़ टू बी वेरी यू नो क्या कहते हैं उसको, बी प्रेजेंट इन द मोमेंट, एंड ही शुड बी अ वेरी 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 क्विक थिंकर। सो फोर्थ पॉइंट इज, ये बहुत ही बड़ा है, ही शुड बी अवेलेबल ऑल द टाइम। अभी कैसा है कि लोग 10 बजे जाते हैं, यूजुअली जो लोग इन मैनेजर्स होते हैं मेरे पास, उनका जो टाइम स्केड्यूल वो 10:30 11 बजे सो जाते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि जो कस्टमर है वो रात को अगर आपको कॉल कर रहे हैं, आपको तंग कर रहे हैं, यू वुडन्ट वॉन्ट दैट। वो आप चाहते हो कि मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, सो ही शुड बी अवेलेबल इवन इन द नाइट। अभी आउट ऑफ 10 ऐसा 1 या 2 बार होता है कि क्लाइंट को कुछ ज़रूरत की चीज़ें चाहिए होती है, एंड ही इज़ ट्राइंग टू फाइंड इट आउट इन द एरिया, तो नहीं मिलता है। सो मैनेजर शुड बी अवेलेबल ऑन द फोन इवन इन द नाइट। अभी वो कैसे करेगा, मैंने अपने मैनेजर्स को बोला है कि अच्छा खासा अलार्म लगाना, अगर कोई कॉल करता है तो उनका जो कॉलर ट्यून होता है फ़ोन का, वो थोड़ा लाउड रखना है। छोटी छोटी चीज़ें हैं ना, जिसके वजह से यू नो आपके क्लाइंट को जो आपके बिल पे उसको तकलीफ नहीं होनी चाहिए। फिफ्थ पॉइंट, ये आउट ऑफ द बॉक्स है, और ये आप सिर्फ एक्सपीरियंस के साथ ही आप ये सीख सकते हो। आपके मैनेजर के पास उनका खुद का व्हीकल होना चाहिए, चाहे वो साइकिल हो, साइकिल नहीं एक्चुअली, जस्ट कीप उनके पास एटलीस्ट स्कूटी हो। वाई? बिकॉज बहुत टाइम उनको आगे पीछे भागना होता है, सामान लेके आना होता है, एवरी टाइम कैनॉट कॉल यू नो ट्रांसपोर्टेशन, वो उसके लिए पैसे भी लगते हैं। सो आपके मैनेजर के पास एक स्कूटी व्हीकल होना ही होना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, प्लीज़ लाइक इट,
प्लीज सब्सक्राइब टू चैनल, हिट द बेल आइकन एंड डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन हाउ आई कैन इम्प्रूव. इट्स अ ब्यूटिफुल लाइफ. पीस.